नमस्कार दोस्तों, वापस आ गए लंबे टाइम बाद मेरठिया व्लॉगिंग में आपके चैनल में। देख सकते हैं आप प्रॉपरली काफी लंबे टाइम बाद वापस आना ही पड़ा सिर्फ आप लोगों के लिए। आपके अपने चैनल मेरठिया व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी 2021 के दिन लंबे टाइम बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का रूट करते हैं। मेरठ एक्सप्रेस का काम देखते हैं कितना बचा है, कितना बाकी है। देखिए मोस्टली वो सामने पटनापुर फ्लाईओवर से साइड में जो आरी वाल प्रॉपरली कनेक्टेड हो चुकी है। और खुशखबरी की बात ये है आपके लिए, जो तीसरा ये जो ऊपर ओवर ब्रिज जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का, मेरठ में पटनापुर में जगह इस समय, तो ये स्टार्ट हो चुका है थोड़ा काफी हद तक उधर के लिए। चलिए देखते हैं चलकर क्या काम हो रहा है, क्या बचा हुआ है, चलते हैं। चलते चलते देखते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी ही आप लोगों से कि इतना प्यार दीजिए चैनल को, ताकि देखने वाले भी देखें कि मेरठ में चैनल एक ही है मेरठ के। ये वही आपकी चौधरी पेट्रोल पंप के बराबर में जो सर्विस लेन जा रही है उसमें चल रहे हम। ये आपका प्रगति का एक्सप्रेस वे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। साइडों में सारे में खेत ही खेत गाँव में से निकल रहा है एक्सप्रेस वे। पहुंचने वाले तीसरे इंटरचेंज के पास चलते रहे। चलते चलते देखेंगे अभी आप आगे तीसरा इंटरचेंज आ गया है। ये देखिए दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पिलर्स तीसरे इंटरचेंज में हम निकल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं चल करके क्या है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का हाल, कितना काम बचा हुआ है। बस थोड़ा समय दीजिए और आप अपना प्यार कंटिन्यू दीजिए, जल्द से जल्द पहुंचेंगे। काफी ट्रैफिक है जो मेरठ एक्सप्रेस का रूट प्रॉपरली कनेक्टेड हो चुका है, तैयार है, चलते हैं थोड़ा आगे। शाम के टाइम देख लीजिए पड़तापुर में मेरठ एक्सप्रेस के पास कितना ट्रैफिक है, पर नज़ारा जो है शानदार है। ये मोदी नगर वाला जो लूप है ये भी प्रॉपरली कनेक्टेड हो चुका है सामने बम्बे के ऊपर जो है, ठीक है। आज इसे भी चल के देखेंगे, प्रॉपरली वर्क देखेंगे आज, क्योंकि लंबे टाइम बाद जो है आप लोगों के लिए समय से जुड़ पाए हैं, है ना। तो वापस से जब आए इतने लंबे टाइम बाद तो थोड़ा लंबा ही समय देंगे। चलते हैं आगे चल के देखते हैं। चलिए आगे देखते रहिए, बस प्रॉपरली लूप कनेक्टेड है, देखते रहिए आप। देखिए ये बम्बा है ना, इसके ऊपर से लूप कनेक्टेड हो रहा है। आगे चल के देखते हैं ये कितना कनेक्टेड हुआ, चलते रहिए देखते रहेंगे। ये देखिए लूप जो है कनेक्टेड तो हो चुका है, पर इसे मिट्टी का भराव रह रहा है इसमें थोड़ा। ये मेरठ रैपिड रेल के पिलर्स का नीचे से फाउंडेशन वर्क कंप्लीट और ऊपर का हिस्सा कंप्लीट करना है, फिनिशिंग टच देना थोड़ा। आप देख लीजिए पुलिस भी पूरी मेहनत से काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस। ये देखिए पड़तापुर में देख लीजिए पुलिसकर्मी कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और वापस से मुड़ते हैं लूप की तरफ, मेन स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, सड़क पार कर लेते हैं, चलते हैं। आप देखते रहिए सामने वाले लूप से उधर उस रोड पे, हम तीस रोड पे क्रॉस कर रहे हैं और अभी आगे चल रहे हैं, चलते हैं और देखते हैं। चलते रहिए आगे देखते रहिए अपने। देखिए चलते हैं मेन स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं और वहाँ से प्रॉपर नज़ारा देखेंगे, फिर एक एक करके सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। दोस्तों एक बार आपके साथ जुड़ जाते हैं ना वीडियो बनाते समय तो टाइम का पता नहीं चलता, इसी बात की पहचान है, ठीक है। ये देखिए इतनी मेहनत से खड़े हैं, है ना। सामने
सामने का नजारा शानदार है, वहां भी जाना है अभी। सामने जो रूप है अभी साइड का देखेंगे आप, देखिए कितना शानदार लग रहा है आपका मेरठ एक्सप्रेस वे। दिल्ली से लोग आते हुए जाते हुए प्रॉपरली कितना शानदार। चलेंगे अभी ऊपर, रूप पर चढ़ेंगे और देखते हैं क्या काम हो चुका है। दोस्तों लूप के ऊपर चढ़ रहे हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए इसी तरह। देखते हैं अभी थोड़ा सा यार रोड का काम बचा हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रोड है डामर की रोड वो यहाँ पर नहीं बन पाई अभी प्रॉपर। ये देखिए अभी आप चल रहे हैं लूप पर प्रॉपरली, चलकर देखते हैं चलते चलते। ये देख लीजिए किसान आ रहे हैं, दिल्ली से वाहन आते हुए और आपका ये शानदार नजारा मेरठ एक्सप्रेस का। कितना शानदार लुक लग रहा है, अभी तो तैयार नहीं हुआ प्रॉपर जब ये हाल है। ये देखिए कितना शानदार लुक है, देखिए रोड के हाल कितना अच्छा नजारा है। दोस्तों देखिए गांव में से एक्सप्रेस वे निकला आपके परतापुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, इसे मोस्टली लोग गाँव ही कहते हैं। तो वहां पर ये क्या शानदार नजारा है आप देख सकते हैं, ये शाम के समय सूरज का नजारा कितना अच्छा है देख लीजिए आप अपने इस प्रगति के एक्सप्रेसवे को। देख लीजिए कितना शानदार नजारा लग रहा है, सामने खड़ा हुआ स्कूटी वाहक नजारा देखते हुए नीचे एक्सप्रेसवे का। ये देखिए ये मेन स्ट्रक्चर जो वहां देहरादून से जो आ रहा है स्ट्रक्चर, काली रोड दिख रही है ना नई बनी हुई है, वो कितनी अच्छी लग रही है, वो चालू हो चुकी है अभी आप देखिए। दोस्तों प्रॉपर अगर आप देखें तो कितना शानदार नजारा लग रहा है शाम के टाइम आपके इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का परतापुर में। अभी देखिए कहना नहीं चाहेंगे, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो असंभव था उसे संभव कर दिया है। मेरठ में यहाँ जहाँ भी चल रहे हैं हम खड़े हैं, ये गांव में ही आता है परतापुर में, तो किसी ने नहीं सोचा था यहाँ एक्सप्रेसवे बन जाएगा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शहर के नाम पर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। सबसे पहली बात ये शहर के नाम पर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसके पिलर आपको सामने दिख रहे हैं वो बनेगा, कहके बनेगा, वो तो कहकर बनेगा कि उसमें कोई दोराय नहीं है, पिलर तैयार हो चुके हैं। एक दिन यहाँ रैपिड रेल भी चलनी है, यहाँ आपका परतापुर स्टेशन भी बनना है। लोगों को थोड़ी परेशानी तो होगी, हो भी रही है, पर फायदा भी इसी का होगा बाद में, ये भी आप देख लीजिए नज़ारा कितना शानदार है शाम के टाइम। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है, हमारे साथ बने रहे और थोड़ा सा आगे चलकर प्रॉपरली एक्सप्रेसवे को देख लेते हैं। ये जो चौधरी पेट्रोल पंप के पास जो इंटरचेंजर है, तीसरा अंडरपास, तीसरा इंटरचेंजर वो है, वहां से वाहन निकल के आ रहे हैं और इसके नीचे से निकल करके सीधे जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। ये बीच में प्रॉपरली बन गया है, प्रॉपरली है ना, प्रॉपरली हो चुका है। ये देखिए का नजारा भी काफी अच्छा है, वहां भी चलेंगे। बस थोड़ा सा आप अपना साथ दीजिए, बने रहिए साथ में, चलते हैं थोड़ा आगे। आगे चल रहे हैं, एक बार दोबारा से अच्छे से देख लीजिए, चल रहे हैं थोड़ा आगे। सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है, चलते हैं आगे, हम वापस चल दिए अभी आगे और एक्सप्रेसो को प्रॉपरली। आज मन कर रहा है कि आप लोगों को परतापुर टोल प्लाजा भी दिखा दूं कितना तैयार हुआ है। मन तो कर रहा है परतापुर टोल प्लाजा देखकर वापस आते हैं, चलिए पहले टोल प्लाजा तक तो चलते हैं, आइए सीधे चलते हैं। अपने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे को देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, इस साइड में प्रॉपरली एक्सप्रेस वे का वर्क चल रहा है। अभी हम परतापुर में टोल प्लाजा पर चल रहे हैं, देखते हैं टोल प्लाजा कितना तैयार हुआ, उल्टा लगा हुआ अभी साइन बोर्ड लगा हुआ है आते वक्त इसे। 12 फरवरी 2021 के दिन आप देख सकते हैं कितना शानदार नजारा आपके मेरठ एक्सप्रेस वे, जो मार्किंग भी हो चुकी है। ये ईट भट्टा है,
थोड़ा काम अभी रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है। ये देखो आपका शानदार तो देखिए पड़तापुर टोल प्लाजा सामने दिख रहा आपको, ये देख सकते हैं आप प्रॉपरली जो है आपको धूप से चलने वाली जो लाइटें होती हैं ये सनलाइट बोलते हैं ना, ओके लगाई गई है प्लेट से आप आपके पड़तापुर टोल प्लाजा में स्वागत है। गांव कहा जाता है आपके मेरठ को, ये देखिए गांव का एक्सप्रेसवे, पहला सबसे बड़ा 14 लेन का एक्सप्रेसवे, अभी तक दुनिया में कोई 14 लेन का एक्सप्रेसवे बना नहीं है, टोल से निकलेगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है ये आपका, थोड़ा सा क्या पूरे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मेरे को देखिए पेड़ कितने शानदार लग रहे हैं, एक्सप्रेस वे की लोकेशन देखिए क्या शानदार लग रही है, आप अगर देखे पेड़ को देखिए अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कितना शानदार नज़ारा आपके मेरठ एक्सप्रेस वे का। अभी आगे चलते हैं और प्रॉपरली बस देखते हैं, ये देखिए साइन बोर्ड लग चुके हैं वहाँ से रोड क्रॉस करिए, एग्जिट नहीं है क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे, अभी आगे चल रहे हैं थोड़ा सा देख लिया स्लो डाउन चल के, ये देख लीजिए सामने ये ईंख उग रही है, गन्ने के खेत है, चलते रहिए रेलवे जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से लोग निकल रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं, अगर आप मेरठ चले जाएंगे इधर ये मोदी नगर के लिए कट रहा है, अब इधर हम ले लेते हैं, ये देखिए मोदी नगर वाला लूप आपको दिखाया जा रहा है, आज चलते रहिए बने रहिए साथ, काम चल रहा है मोदी नगर वाले लूप पर, अभी चलकर देख लेते हैं थोड़ा सा कितना काम हो चुका है, कहाँ तक है वाहन लेने की और जाने वहां सामने सब बस कनेक्टिविटी है, आगे चलकर मैं आपको दिखा देता हूँ, चलते रहिए और आप प्रॉपरली देखते रहिए। काम यहाँ रुका हुआ है, मोदी नगर वाला जो लूप है इस पर यहाँ काम रुका हुआ है, ये ओवरब्रिज के ऊपर लैंटर डाल रहे हैं ना, यहाँ काम रुका हुआ है, शानदार नजारा है शाम के टाइम, सामने स्कूटी वहां खड़ा हुआ है नजारा देखते हुए, चलिए चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो देखिए मेरठ रैपिड रेल दो प्रोजेक्ट देख सकते हैं आप, इसमें मेरठ रैपिड रेल के पिलर भी प्रोग्रेस में है, वर्क लूप की फिनिशिंग अभी प्रॉपर है, देखिए पैदल आने वाले लोगों को थोड़ा सा नुकसान ये है कि उनके लिए साइड में कोई डिवाइडर है सर्विस लेन नहीं है, है ना, बाकी देख सकते हैं आप एक तरफ देखें तो बाकी इस सामने एक कंपन पास हो रहा है जो कि पड़तापुर टोल प्लाजा से पहले होता है, चलते हैं वापस देखते हैं दोस्तों, चलिए वापस चलते हैं और अभी हम एक जो हरिद्वार से जो आ रहा है लूप वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, वापस चलते हैं दोस्तों वहीं मेन स्टेशन पर, थोड़ा समय दीजिए।
आप लोगों का प्यार वीडियो लंबी करा देता है। कई बार होता है पता नहीं चलता कि कितनी लंबी वीडियो हो गई, बट क्या करें, आप लोगों का प्यार ही है जो इतनी लंबी करा देता है वीडियो। चढ़ते हैं ऊपर से, सड़क क्रॉस करके हम इधर आ गए सिंगल वे पर, चलते रहिए आगे देखते हैं। अभी जैसे हम एक्सप्रेस वे हम नीचे उतर रहे हैं, अभी आगे काम देखते हैं। कार्य आपका प्रगति पर है, चलते रहिए और देखते रहिए। आपका अपना चैनल बहुत भूलिएगा मेरठिया व्लॉगिंग। ये देखिए इधर, ये जो है वही अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स होती है ना, सनलाइट, उसी के लिए काम चल रहा है। ये देखिए अभी हम मेरठ बाईपास की ओर चलते हैं। मतलब अभी इस वाले रूप पर हम चढ़ने की तैयारी में सामने जो आप देख रहे हैं, आगे से देखते हैं अगर होगा चढ़कर दिखा देंगे। अगर आपको मेरठ में अंदर एंट्री लेनी है मेन शहर में, मेरठ सिटी में, तो इस अंडर पास से भी ले सकते हैं अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ से घूम जाएंगे अंदर सीधा पड़ता है फ्लाईओवर पे, लूप के बिल्कुल किनारे में तो हम आ चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि चढ़ना कहाँ से होगा, है ना, चेक कर लेते हैं कहाँ से इन्होंने खोला हुआ है लूप। ये देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं हम पड़तापुर बाईपास से, वापस से दिल्ली रोड की तरफ जा रहे हैं। रोड क्रॉस करके आ चुके हैं, वापस चलते हैं अब हम पड़तापुर की तरफ। ये भी देखिए दोस्तों शानदार नजारा है आपके, जो लूप आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस होगा ये पीछे हरिद्वार वाली जगह से कनेक्ट होता है। यहाँ से हरिद्वार उत्तराखंड से जो लोग आते हैं सीधे अब यहाँ चढ़ जाएंगे ऊपर। आगे आगे चल के देखते हैं पीछे से पड़तापुर का हिस्सा कैसा दिख रहा है। ये देखिए सामने पड़तापुर फ्लाईओवर पे वाहन चढ़ते हुए, ये दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए ये पड़तापुर फ्लाईओवर के ऊपर वाहन चढ़ते हुए दिल्ली से आ रहे हैं और पड़तापुर मेरठ शहर में एंट्री लेना चाह रहे हैं। देख लीजिए क्या शानदार नजारा है आपका, ये देखिए पीछे का नजारा। अभी आप देखें तो हम यहाँ से एक बार और नजारा दिखा देते हैं आपको रोड का सामने। ये सामने पड़तापुर रेलवे फाटक के नीचे जो सर्विस लेन है वहां मंदिर के पास वाली, वहां से रोड आ रही है और ये सीधे आपका ये रहा पड़तापुर फ्लाईओवर पर वाहन चल रहे हैं सीधा ही मेरठ में एंट्री लेते हुए। चलिए आगे चलते हैं और आपके इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ एक्सप्रेस वे के इस लूप से नीचे उतर जाते हैं और वापस मुड़ कर आ जाते हैं अंदर मेरठ शहर में। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए खतरे का काम इतना है, ट्रैफिक आ रहा है, पर आप लोगों को दिखाना है प्रॉपर। तो ये देख लीजिए जो दिल्ली की तरफ से अभी वाहन आ रहे हैं ना, जो इधर उत्तराखंड में देहरादून या हरिद्वार वाली जगह पे एंट्री ले रहे हैं वो इस सामने से आ रहे हैं, वो रहा पहला अंडरपास। ऐसे पूरा घुमा के दिखाऊं तो ये सीधे जा रहे हैं, ये देखिए। चलिए हम तो आगे चलते हैं, इस लूप पे से नीचे उतरते हैं। ये देखिए थोड़ा सा काम बच रहा है बस यहाँ पर, बाकी तो प्रॉपर काम हो ही चुका है। कि अब यहाँ से हम दिखा रहे थे ना आपको ऊपर वीडियो में कि ये वाली नई रोड बनी, तो वो यही रोड है जहाँ से हम भी आ रहे हैं। देखिए
पड़ेगा इधर बराबर सर्विस लेन में से तीसरे एंटर पास में निकलेंगे वापस हम इधर ही आ गए इस नीचे वाले लूप से चलेंगे चलते हैं देखिए आगे वाला साइड पास के नीचे से निकल रहे हैं हम चलिए सीधे चलते हैं सोच रहा हूँ उस लूप को भी दिखा दूँ हाथों हाथ रुक जाइए सामने पड़ता है फ्लाईओवर की तरफ रास्ता जाता है वापस मोड़ लेते हैं थोड़ा इधर की साइड देखिए लूप बंद है इसको अभी दिखाना पॉसिबल नहीं होगा ये बंद है इन्होंने इसको सटा दिया पूरा है ना ये मोदी नगर और गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है लिखा हुआ है ये वहीं कनेक्ट होगा अभी तो हम अपने वापस मेरठ में चलते हैं बाकी किसी चीज के बारे में डिस्कस करें बिना चलिए वापस चलते हैं ये देखिए सीधा पड़तापुर फ्लाईओवर पर चल रहे हैं हम अभी इसी के ऊपर थे हम ये देखिए चलते चलते आपके पड़तापुर फ्लाईओवर पर आ गए हम ये देखिए यही लूप है जिस पर खड़े होकर हम अभी आपको दिखा रहे थे यहाँ का नजारा आ जाते हैं अपने मेरठ शहर में एंट्री ले लेते हैं ये सामने फैंस टेबल है आपका ये शुरू तो आपका हो गया था 2017 में बट उसके बाद 2018-19 तक चला है 2020 में उसके बाद कोविड-19 के आने के बाद से वो बंद है अभी ये मे भी हो सकता है मार्च या जुलाई में ओपन हो 12 फरवरी 2021 के दिन आज सुबह कोहरा काफी था तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में नहीं बन पाई वीडियो इसलिए शाम को वीडियो बनाई जा रही है चलते रहिए बस चलते चलते अब समय हो गया आपसे फिलहाल अगली बार मिलने का है ना चलते रहिए थोड़ा समय दीजिए पड़तापुर फ्लाईओवर से नीचे उतर गए चलिए आगे चलते दोस्तों आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इजाज़त दीजिए फिर अगली बार मिलेंगे आपके अपने चैनल मेरठिया व्लॉगिंग में आशा करता हूँ सभी शिकायतें दूर हो गई होंगी लंबे समय तक वापसी करी उसके लिए माफी चाहता हूँ फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल मेरठिया व्लॉगिंग में नमस्ते दोस्तों।